गाइस, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने महादेव की न्यूज लेके आई हूँ, यानी कि मैं एक ऐसी शिवलिंग की न्यूज लेके आई हूँ जिसके बारे में जान के आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि आजकल के टाइम में भी ये सब चीजें चमत्कार देखने के लिए मिल रही है, तो काफी ज्यादा हैरानी होगी। वाराणसी से ये बहुत ही बड़ा मामला आ रहा है हमारे सामने। वाराणसी के एक गाँव में खुदाई हो रही थी और उस दौरान ही एक शिवलिंग निकली है। हम लोग पूरी अपडेट आपको बताएंगे, मेरे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव करके कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कमेंट करना मत भूलिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के चलते हुए काफी सारी ऐसी चीजें बंद हुई हुई है, पर कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन खुल भी चुका है, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं और थोड़े बहुत भी लोग अपने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि वाराणसी के भवनिया गांव में से एक 4000 साल पुरानी एक शिवलिंग निकली है। जब खुदाई की गई, जब वहां पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च वगैरह करनी शुरू की, तब उसकी धरती से जब एक और हमारी धरती के अंदर से एक पुराना मतलब कि इतिहास का एक ऐसा तत्व मिला है जिसके बारे में जानना आपको भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा इस वक्त, तब उस दौरान लोगों की वहां पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने वहां पर भीड़ जमाई, पर उसी के दौरान ही लोगों की भीड़ को दूर कर दिया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी काफी ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम पे, और उनको दूर किया गया। और दूर करते हुए उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर देखा तो है लोगों ने, और दर्शन भी किए हैं इस शिवलिंग के। बहुत ही विशाल शिवलिंग बोली जा रही है, बहुत ही पुरानी शिवलिंग है। अभी वैज्ञानिकों के हाथ में, वैज्ञानिक अभी इस शिवलिंग को ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि अभी देख रहे हैं इस शिवलिंग के बारे में अभी और भी जानकारी आनी बाकी है। पर इस दौरान ही जहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफी ज्यादा तंग हुए कोरोना वायरस के चलते हुए, सिर्फ हम उसी शिवलिंग से यही प्रेयर करेंगे कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द एटलीस्ट भारत से तो निकाल दे और पूरी विश्व से निकाल दे, कि लोगों की जान ना जाए। आप क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो हर हर महादेव करके कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।